अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये है सुजुकी लियाना 2006 मॉडल है। बहुत ही प्यारी गाड़ी है। इसका इंजन साइन आ रहा है, चेक करते हैं क्यों आ रहा है। इस पे इस कोड पे जो आ रहा है ना, इस पे मेरी पहली वीडियो भी आया है, मगर उसकी वायर टूटी हुई थी। तो ये गाड़ी चली हुई है, जला पला करें आपका। 1,86,000 किलोमीटर चली हुई है। तो चेक करते हैं ये इंजन साइन क्यों आ रहा है। और वीडियो देने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। तो कंप्यूटर स्कैनिंग कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कोड क्या आ रहा है। चेक करते हैं क्या कोड आ रहा है। रीड फॉर कोड, कोड आ रहा है P0115, P0135, P0335। केम शाहबुद्दी सेंसर का कोड आ रहा है, ऑक्सीजन सेंसर का कोड आ रहा है और वाटर टेम्परेचर सेंसर का कोड आ रहा है। मगर पहले तो कर लेते हैं क्लियर, फिर चेक कर लेते हैं कोड कौन सा है। ओके हो गया, क्लियर हो गया, ओके। मगर इंजन लाइट ऑफ नहीं हुई, तो दोबारा चेक करते हैं अब क्या कोड है। अब कोड आ रहा है P0135, ऑक्सीजन सेंसर 1 का ये कोड है। फिर करते हैं क्लियर, लाइट ऑफ हो गई, दोबारा ऑन हो गई है, लाइट दोबारा ऑन हो गई है। अब चेक करते हैं कि अब क्यों ऑन हुई है, अब क्या कोड है। और RPM भी गाड़ी ठीक ले रही है, मिस फैनिंग भी गाड़ी नहीं कर रही। P0135 इस पे आज काम करते हैं सेंसर 1 पे कि क्या मसला आ रहा है। वायर में मसला है, कंप्यूटर में मसला है या सेंसर में मसला है। तो चेक कर लेते हैं डेटा स्ट्रीम में जाके कि सेंसर 1 एक्टिव है कि नहीं है, वार्ड में सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये आप देख रहे हैं अनएक्टिव आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, इसका मतलब है ऑक्सीजन सेंसर एक्टिव नहीं है। उसको या वोल्टेज नहीं मिल रही या वो सही नहीं है। बगैर वाटर में सेंसर ठीक है, उसकी टेम्परेचर ठीक हो रहा है, RPM बिल्कुल ठीक है। तो चेक करते हैं ऑक्सीजन सेंसर को। ये जो 3 कोड आ रहे थे उनमें से असल फॉल्ट था उसका P0135 का। जब हम लोग देखते हैं कि कोई मसला इंजन साइन में आ गया है तो ग्रिप उतारना लगाना करते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कोड आ जाते हैं। मैं गाड़ी को बंद कर लेते हैं और मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये है जी इसका ऑक्सीजन सेंसर की लोकेशन, ये ग्रिप लगा हुआ है। इसका जो कनेक्टर है वो उतारते हैं, उतना नहीं रहा, बहुत टाइट है। आराम से इसके लॉक को दबा लेंगे और थोड़ा ज़ोर लगाएंगे, निकल आएगा। ये देख रहे हैं बहुत टाइट हुआ है। फिर दोबारा प्रेस करते हैं इसको, या किसी छोटे पेचकस से लॉक को ऊपर करते हैं। दोबारा प्रेस किया, निकल आया, बहुत फंसा हुआ था। आप मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं पहले ऑक्सीजन सेंसर। हीट सेंसर पे इसके जो दो ब्लैक वायर्स होती हैं सेंसर की, उस पर लगा रहे हैं तो सेंसर शो नहीं कर रहा। वायर को आपस में टच कर रहे हैं तो हर इसकी जो बजर है बोल रही है मल्टीमीटर की, मगर ऑक्सीजन सेंसर की जो ब्लैक्स दो वायर हैं वहाँ पे हीट सर्किट का फंक्शन नहीं आ रहा है। स्विच ऑन किया है, 12 वोल्टेज पे किया है तो 12 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है वायरिंग का इशू नहीं है, इसका मतलब है वायरिंग का इशू नहीं है, सेंसर में इशू है। तो सेंसर खोलते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और उसको चेक करते हैं बाहर निकाल के। सेंसर बाहर चेक किया, ठीक नहीं है सेंसर, ये नया मंगा लिया है, ये चेक करते हैं। ये है जी न्यू सेंसर, इसे करते हैं फिट, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसको फिट करते हैं और बाद आओ ये बतानी है सुजुकी स्विफ्ट, सुजुकी लियाना
इनके अंदर अगर कुछ चीज़ ख़राब हो जाएगी, सेंसर ख़राब हो जाएगा, तार टूट जाएगी, तो इंजन सही आ जाएगा। अगर सेंसर ख़राब है, तार टूट गई है, इंजन सही आ जाएगा, उस पर आप काम करेंगे तो चला जाएगा। अगर सेंसर आपने चेक किया मल्टीमीटर पे वो ठीक है और 12 वोल्ट भी ठीक आ रहे हैं, तो समझ जाएं कि क्या कहते हैं, सेंसर में मसला नहीं है, कि इसका हीट सर्किट बाद में जाकर काम छोड़ता होगा, ऐसा नहीं है। अगर बिल्कुल हीट सर्किट इसका मल्टीमीटर पे कंटिन्यूटी शो करना छोड़ जाए तो वो ख़राब है। अगर वो कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो वो ख़राब नहीं है। लिहाजा आपकी और चीज़ चेक करें, तो काम मुकम्मल हो गया है, गाड़ी करते हैं स्टार्ट। करते हैं स्टार्ट, स्टार्ट हो गई और इंजन लाइट ऑफ हो गई। इसका जो था सेंसर ऑफ थी, सेंसर वो ख़राब था। इस पे मेरी पहली वीडियो भी है सुजुकी लेना पे, P0135 पे जो कोड आ रहा है, इससे मेरी पहली वीडियो इस पे है, मगर वो जो वीडियो है उस पे क्या हुआ है, वायर टूटी हुई है। और आज क्या है, आज ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हुआ है। तो ये ले जी, अब करते हैं उसको स्कैन। स्कैन करना ज़रूरी है। इंजन लाइट तो ऑफ हो गई है और स्कैन करना ज़रूरी है कि कोड आता है कि नहीं आता। लो जी सुजुकी हो गया, ओके हो गया। मुझे एक लड़के ने कहा है कि स्कैनर पे वीडियो बनाएं, काफ़ी सारी वीडियो बनी है मेरी स्कैनर पे। ये देखें मैं स्कैन कर रहा हूँ, सुजुकी पे आप स्कैन करेंगे थोड़ा टाइम लेगा स्कैन होने में, जैसे स्विफ्ट को करेंगे स्कैन तभी टाइम लेता है। अब लेना भी टाइम ले रहा है, यहाँ पे स्कैन कर रहा है और माशाल्लाह एसी इसका ऑन है और आरपीएम इसका स्टेबल है। एसी हो गया ऑफ और आरपीएम स्टेबल है। लो जी अब इसको करते हैं सिस्टम सेलेक्ट पे जाते हैं, ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। अब हम जाएंगे जी ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, ठीक है जी, ये हम लोग जाएंगे MT मैनुअल ट्रांसमिशन, ओके। अब ये फ़ौरन देगा रियर फॉरवर्ड कोड, ये कोड आ रहा है ना, इंजन साइन ऑफ हो गया, ठीक है, मगर कोड तो आ रहा है ना, ये देखे क्लियर करना ज़रूरी है। कहते हैं सेंसर भी चेंज कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, मगर काम सही नहीं हुआ, तो क्या होता है कोड आ रहा होता है। तो आरपीएम भी ठीक है इसका और टेम्परेचर भी ठीक है। अब ऑक्सीजन सेंसर 1 एक्टिव आ गया है, अच्छी दे रहा है वैल्यू माशाल्लाह, देख रहे हैं आप माशाल्लाह काम बेहतरीन हो गया है। माशाल्लाह जी काम मुकम्मल हो गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम पढ़ें, दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।